तो मेरे से दस मिनट हमको बॉय को वन चैनल नहीं पोर से भाई आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज का ब्लॉग क्या है? हाँ, आज का जो ब्लॉग है इस ब्लॉग पे ना एक्चुअली हम लोग गए थे बाहर, मतलब मॉल में गए थे, एक टी शर्ट खरीदा और टी शर्ट नहीं शर्ट खरीदा। उसके बाद हम लोग पार्क में गए थे। एक्चुअली क्या हुआ है ना, वी वे प्लानिंग फॉर समथिंग एल्स, लेकिन क्या हुआ, मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ जाने वाले थे वो लोग इतने मतलब पूरा प्लान जो है ना उसने चौपट कर दिया। वो लोग सोते रहे, वो लगे आज नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो फिर मेरा कुछ और प्लान था। उसके बाद मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ जो है मैं गया उस मॉल पे और वहाँ पे हम लोग एक शर्ट खरीदा। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ खाना वगैरह खरीद के हम लोग गए पार्क में, मतलब भूख लग रहा था इसलिए खाना खाने के लिए। और हाँ, और एक बात आप लोग को मैं आई एम वेरी 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 थैंकफुल फॉर यू गाइस। मेरा जो वीडियो है, जो पिछला जो व्लॉग था वो एक दो दिन में लाइक इट क्रॉस 1K व्यूज, दैट वाज रियली 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 हैप्पी थिंग फॉर मी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आई होप कि आप सबको ये व्लॉग जो है वो भी बहुत अच्छा। विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फाइनली आफ्टर सो मेनी मंथ्स वी आर एबल टू गो इनसाइड दिस मॉल। आई फील सो रिलीफ एंड आई रियली वांट टू गेट सम स्टफ फ्रॉम इनसाइड दिस मॉल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। सो एट फर्स्ट हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले न्यूयॉर्कर जाएंगे, उसके बाद कुछ कपड़े देखेंगे, अगर पसंद आया तो ख़रीद लेंगे। लेकिन क्या हुआ, मुझे वहाँ पे कुछ भी कपड़े पसंद नहीं आया और एंड आई एंडेड अप बाइंग शर्ट फ्रॉम टेरानोवा, लेकिन मैंने उसका क्लिप नहीं लिया। कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग सीधा पहुँचे ऊपर फूड कोर्ट पर। हम लोग को लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख वहाँ पे, एक्चुअली मतलब लोग ऑर्डर तो कर रहे थे लेकिन वहाँ पे हम लोग बैठ के नहीं खा सकते। जैसे अब मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा टिटान में भी वैसा ही हाल था। So guys, what I've actually done is that I've ordered pizza along with some salad और अभी मैं ऊपर फूड कोर्ट पे हूँ मैक्सी मॉल के ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ बंद है। एज आई सोन बिफोर इन टिटान आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते। तो फिर मैं यहाँ पे विंडो साइड पे आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ का कैसे बाहर। वेयर आई शो यू गाइस हाउ डज इट लुक्स, एक्चुअली इट लुक्स रियली अमेजिंग। ये सीनरी बहुत ही मस्त लग रहा था वहाँ पे असली में, लेकिन पता नहीं वीडियो में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। जो भी हो, दैट वाज रियली ऑसम। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जोर से बोल भाई। बोल तो सही। हम लोग अभी थोड़े आगे पार्क में जाने वाले हैं। तो गाइस राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट पार्क। अभी हम लोग वहाँ पे जाके लंच करने वाले, जो भी सामान अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है। क्या लेकिन साइकिल है ही नहीं, तो स्कूटर चलाने में मज़ा आएगा भाई। पता है मैंने सोचा था कि इस पर मैं रोलर स्केट खरीदूंगा लेकिन कुछ नहीं कर पाया, इनसे कोरोना के चलते पूरा ख़त्म हो गया। अरे यहाँ भी विंटर में बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे ना, सजा के रखे थे। ओ भाई ये घर बहुत सुंदर है। अभी हम लोग इस पार्क के अंदर जाने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ। ये रहा, वहाँ पे जाके बैठ के आराम से खाना खाएंगे, उसके बाद मस्त सा। बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। कैसा लग रहा है जितेंद्र जी? ऐसा लग रहा है ना जेल से छूट गए हैं। अच्छा जेल से छूट गए यार, ये डायलॉग बहुत कम पुराना हो गया। ओ भाई यहाँ पे तो बहुत सारे वो है, मैं बच्चे खेल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। तो मैं पिज्ज़ा लेके वहीं पे बैठ गया था खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो फिर ये रहा हम लोग ने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, एक्चुअली वो एक पन्नी में भर के दिया था जो कि बहुत ही घटिया पन्नी था, जिसकी वजह से पूरा पिज्ज़ा ख़राब हो गया। So this is the pizza which looks really really delicious. So I was really excited to have at that moment. Oh, बहुत सुंदर लग रहा है यार, खाने का मन कर रहा है दोबारा देख के। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैंने पिज्ज़ा के साथ सैलड भी ऑर्डर किया था, मुझे ये सैलड इसलिए ट्राई करना था क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे सीवी टाइप कुछ नूडल्स टाइप देखे थे,
क्योंकि मैंने इस तरह के सैलड पहले कभी खाए नहीं है। आपने कभी इंडिया में खाया है ऐसे सैलड? नहीं खाया ना? आप कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है। एंड एक्चुअली इट टेस्टेड रियली गुड, मैं अमेज था एक्चुअली। ऐसा भी कुछ सैलड बनते हुए जो कि बहुत टेस्टी भी। तो गाइस फिर मैंने आज ये लेस खरीदा है, ये फ्लेवर मैं आज पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ यहाँ पे रशिया में। और जो इंडिया में जो लेस होते ना जब हम लोग इंडिया से यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, हम लोग को लगा था कि लेस यहाँ पे 10-20 रुपए में मिलेंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली व्हेन वी केम हियर इन रशिया। उसके बाद जब हम लोग दुकान में गए उसका प्राइस देखे एक पैकेट के इतने बड़े पिन होते एक्चुअली विच इज़ अ ह्यूज वन, बट उसका प्राइस था 100 99 या 100 था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा है इंडिया के लिए। फिर हम लोग कहते यार एक लेस खरीदने के इतना पैसा क्यों खर्च करें। यहाँ पे इतने सारे लोग थे पार्क में, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ लॉकडाउन या फिर ऐसा कुछ पैंडेमिक वगैरह चल रहा है। यहाँ पे लोग बिना ग्लव्स के बिना मास्क के सब लोग खेल रहे थे। इवन द प्रेग्नेंट वीमेंस विद अलॉन्ग विद द हस्बैंड एंड ऑल्सो यंग चिल्ड्रंस हु आर प्लेइंग अ लॉट विदाउट इवन एनी प्रिवेंटिव मेजर्स। आई डोंट नो, लेकिन शायद आई फील दैट दिस प्लेस इज सेफ नाउ। दैट्स द वेरी रीजन वाई द पीपल्स आर लाइक रोमिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी प्रिकॉशंस और समथिंग लाइक दैट। इसलिए शायद ये हुआ होगा। जैसे आप पीछे देख सकते हो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि या फिर ऐसा कुछ पेंडेमिक या फिर ऐसा कुछ चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल लाइफ की तरह चल रहा था। आज का जो है ये ब्लॉग कैसा लगा? लगा इंटरेस्टिंग लगा तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पे बताना। सो आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड या अगर आप मेरे चैनल में नए हो ना, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है यार। एंड या वंस अगेन इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।